मैं स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश। 22 जुलाई को महत्वपूर्ण योजनाओं का आधार रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी का गोरखपुर में आगमन हो रहा है। गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान सम्मान, भरपेट भोजन, नहरने को छत, युवाओं एवं व्यापारियों की चिंता, पूर्वांचल का सपूत, वाराणसी का सांसद, पिछड़ों दलितों के परिवार में जन्म लेने वाला एवं सबका साथ सबका विकास करने का सपना और उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने का सपना मन में संजोए हुए, इसलिए पूर्वांचल क्षेत्र के गोरखपुर में दो महत्वपूर्ण योजनाओं का आधार रखने देश के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। 22 जुलाई को फर्टिलाइजर एम्स, जिसके कारण गोरखपुर के निवासियों को, संपूर्ण पूर्वांचल को बहुत फायदा मिलने वाला है। 42,000 करोड़ का बजट है, फायदा रेस्टोरेंट से होटल तक, जमीन और प्रॉपर्टी, रिक्शा चालक से लेकर बड़े बड़े चालकों का, नौजवानों को रोजगार बड़े पैमाने पर, गांव गरीब किसान को फायदा फर्टिलाइजर से, सस्ते खाद और रोजगार, आसपास की सड़कें अच्छी होंगी, दवाई और इलाज के लिए भी लोगों को और गांव गरीब किसान को खाद से लेकर सभी में सुविधाएं होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित ये रैली महत्वपूर्ण रैली है और एक और महत्वपूर्ण पूज्य अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करने वाले, इसलिए सभी नौजवानों से, समस्त मित्रों से, गांव गरीब किसान सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि फर्टिलाइजर मैदान में पहुंचकर भाई नरेंद्र मोदी को इसने आशीर्वाद प्यार दें कि अपनी उस ताकत को लेकर जाएं और दुनिया के अंदर जाएं और संपूर्ण दुनिया भारत माता के चरणों में नतमस्तक हो। बहुत बहुत धन्यवाद।